Yes, you supported the LGBTQ चीज़ें होती है. What do you think about that? That आजकल बहुत सारी awareness आ रही है and इन सारी awareness में what do you think that हम बहुत ज़्यादा aware हो रहे हैं या इतना aware होना चाहिए? What are your takes? I think it's fine because देखो अगर तो reality में you know when you कुछ लोग होते हैं जो by birth जिनके अंदर इशू होता है तो आप उनके पास they don't have a choice. उन्होंने they didn't ask for it. The transgenders. तो we have to be like you know it's okay. मैं इस चीज पे ना ज़्यादा बोलती हूँ और मैं I think I support them too. Okay. But वो आजकल के उसमें there are two types of people like you know one that they are pretending. Yeah. And one that are actually original. तो वो जो pretending वाले हैं ना वो बहुत रायता फैला रहे हैं. वो अच्छा नहीं है. So I do you support the both or do you support one side? The pretending one जो है वो फिर क्या मैं उनको support करूँ? उनके बारे में कुछ बोला भी जा सकता है. वो आई मीन अपनी जंग में शायद हैं कहीं पे. उन्हें समझ नहीं आ रही उन्होंने मर्द बनना है या औरत बनना है. जबकि आए वो मर्द हैं वो औरत बनना चाह रहे हैं. We should support them. और मुझे इतना अच्छा लगता है that हम जब उन्हें what you call काम करते हुए देखते हैं. There is an anchor वो काम करी. There is a doctor और बड़ा अच्छा लग रहा है that you know हमने ख्वाजा सराओं को बस एक नाचना और इन चीज़ों से बाहर किया है. लेकिन we should appreciate the ख्वाजा सराज only, not the other communities that have been building around it in the name of the ख्वाजा सराज. Yes, so yes, आप बताओ इसके अलावा जब मम्मी बनी how did you feel? Oh, वो एक होता ना जब आप पहली दफ़ा अपने बेबी को देखते हो आप तो अभी यार ये तो मेरी प्रोडक्शन. अच्छा मुझे मेरे साथ ये हुआ था कि जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आता. लेकिन जैसे जैसे मैंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया ना आई वॉज लाइक वाओ मीन यू नो दिस समथिंग हुज अ पार्ट ऑफ मी. और आई गो होम दे विल बी वेटिंग फॉर मी बिकॉज मैं यहाँ पे अकेली रहती थी. सो आई यूज्ड टू फील अलोन. ओके टू बी ऑनेस्ट डिड यू गो थ्रू द पोस्ट डिप्रेशन जो बेबी के बाद होता है? पोस्टमार्टम हेयर लॉस तो जरूर हुआ है. मुझे टाइम कहाँ मिला पोस्ट डिप्रेशन का. पहले के बाद दूसरा हो गया. नहीं पर एक एक होता है ना दैट बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में बात नहीं करते. और हमारे यहाँ जितने भी मर्द हैं और जितने भी सासू माए एंड सिस्टर इन लॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इट. लेकिन एक औरत एक फेज से गुजरती है एंड दैट फेज इज मोर डेंजरस देन द वन दैट शी यू नो was in when she was pregnant and when she was having a baby. That's nothing. जो बाद में आता है ना that's a tough phase. So how did you deal with that? 4 बजे उठ जाना, 2 बजे उठ जाना. नहीं अभी तो I'm not sleeping at all. I sleep in the morning जब मेरी जो house help हैं वो उठ जाती हैं. Because दोनों हैं तो अगर एक उठता है ना और वो रोना शुरू कर देता है तो दूसरी उठ जाती है. और जब दूसरी उठ जाती है तो वो 2 घंटे से पहले नहीं सोती. तो आई हैव टू स्टे अवेक और मैं पूरी रात यूँ आंखें खोल के दोनों को देख रही होती हूँ कि कोई उठे ना. उनके टाइमिंग मुझे पता होता है तो फिर वो सो जाते हैं. फिर सुबह मैं 7 बजे. इज द लिटिल वन द नाइट बेबी? मतलब वो रात को जागता है या सोता है? नहीं वो सोता है बट एवरी 2 आवर्स तो उसको दूध चाहिए होता है ना. हाँ ये बड़ा टफ. और मैं जब सोती हूँ फिर मुझे उठा नहीं जाता. अगर मैं उठती हूँ तो फिर सोया नहीं जाता. तो मैं सिर्फ उठ के बैठती हूँ. ये 5-6 महीने मैंने फायजा के लिए भी किया था, बिलाइजा के लिए भी करती हूँ. चलो दैट इज वेरी नाइस. बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.